बीते दिनों भाजपा नेता अंकित शुक्ला और उसके भाड़े के लोगों की तरफ से सिख समुदाय के दवा व्यापारी अमोल दीप सिंह के साथ मारपीट की गई थी, जिसके बाद व्यापारी अधमरा हो गया। इस संगीन घटना के बाद एक तरफ जहां सिख समुदाय के लोग और व्यापारी एकजुट हो गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी में मामले को लेकर गुटबाजी देखने को मिल रही है, जहां भाजपा के विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा के ही सांसद आमने सामने आ गए हैं और इसकी वजह बनी है इस मामले में पुलिस की कार्रवाई, क्योंकि मामले के बाद इस संगीन मारपीट के आरोपी अंकित शुक्ला पर पुलिस ने 35,000 का इनाम घोषित कर दिया है। दरअसल मामले में बुधवार देर शाम बड़ी संख्या में बीजेपी के लोग पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के खास राकेश तिवारी की अगुवाई में कमिश्नर से मिले। उन्होंने बीजेपी नेता अंकित शुक्ला पर इनाम घोषित किए जाने को गलत और जल्दबाजी बताया। बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कमिश्नर कार्यालय में धरना प्रदर्शन भी किया, साथ ही कहा कि अंकित शुक्ला को जेल भेजा गया तो 10,000 कार्यकर्ता उनके साथ जेल जाएंगे। अगले दिन बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी भी मामले को लेकर सामने आ गए और साफ कहा कि जिन लोगों ने कमिश्नर कार्यालय का घेराव किया वो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं हो सकते। इस मामले के बाद भाजपा के दो नेताओं के गुटों के बीच दरार खड़ी हो गई है। सांसद सत्यदेव पचौरी ने मामले को गंभीर बताया, साथ ही पीड़ित व्यापारी अमोल दीप सिंह के साथ जिस तरह मारपीट की गई उसे सांसद सत्यदेव पचौरी ने गंभीर विषय बताया। पचौरी ने कहा है कि बीजेपी में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, बीजेपी सत्य के साथ है। उन्होंने कहा है कि आरोपी को पार्टी से निकालने के लिए वो प्रदेश अध्यक्ष को पत्र भी लिखेंगे। बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी पुलिस की कार्रवाई और इनाम घोषित किए जाने को सही बता रहे हैं। देखिए, मैंने पुलिस कमिश्नर ने ये कहा है कि जो कार्रवाई सत्य के आधार पर हो, कोई दबाव में आने की जरूरत नहीं है। अगर अपराधी है तो अपराधी है, उसने गलत किया है तो उसकी सजा हो, और इसलिए मैंने उनके बधाई भी दी है क्योंकि उन्होंने 25,000 का इनाम घोषित किया। बीजेपी के कल 500 कार्यकर्ताओं ने घेराव किया और आरोपी के पक्ष में दबाव बनाने का काम किया, ऐसे में क्या करेंगे? मैं समझता हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं रहे होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई अन्याय का साथ नहीं देता। ये बताइए कि वह पार्टी से निष्कासन के लिए जो आरोपी है उसके लिए आपने कोई पत्र लिख रहे हैं? बिल्कुल लिख रहा हूँ। क्या इसको पत्र क्या लिखा? प्रदेश अध्यक्ष जो जिनको अधिकार है उनको लिख रहे हैं कि जो वो दोषी है, और क्योंकि उसने जघन्य अपराध किया, उसकी आंख फूट गई, एक आंख चली गई, दूसरे में 20% रह गई, 80% वो भी चली गई, तो ये तो हत्या से कम नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी तो साफ सुथरी पार्टी है ना। इधर मामले को लेकर कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने नगर निगम पार्षदों के साथ बैठक की। हालांकि मेयर प्रमिला पांडे ने पहले बैठक को इस मुद्दे से अलग बताया। वहीं घटना के बारे में सवाल किए जाने पर बोलते हुए कहा कि ये बहुत दुखदाई है। घटना पर दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा है कि जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं। उन्होंने आरोपी बीजेपी नेता अंकित शुक्ला का पक्ष लेते हुए कहा कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वहां ऐसा कैसे हो गया। उनका कहना था कि दोनों पक्षों से बात करके ऐसी गलती कभी भविष्य में ना हो, इसको लेकर क्षमा याचना की जाएगी। देखिए, एक तो मैं स्पष्ट कर दूं कि बैठक हम लोग आपस में बात करने बुलाए। दूसरी बात कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के ने आदेश किया है पूरे देश में कि हम 1 तारीख को श्रमदान करें, तो हमने इन लोगों को इसलिए बुलाया था क्योंकि मैं बाहर थी 3 दिन, मैं आज आई हूँ। हमने इसलिए बुलाया है कि हमको 1 तारीख को हम इनसे बैठ साहब मंत्रणा करेंगे किस तरीके से हम श्रमदान 1-1 घंटे का हम लोग किस हिसाब से जोन वाइज करें कि वार्ड वाइज करें कि कैसे करें, इनको कितना आदमी चाहिए, क्या चाहिए, ये व्यवस्था के लिए बताएं। दूसरी बात जो आप हमारे पार्षद के लिए पूछ रहे हो कि पार्षद के साथ हुआ, देखिए कभी जाने अनजाने में भी कोई बात हो जाती है, ठीक है। हमारी मेरी जो पार्षद है न्याय सीधी है, उसका पति के ऊपर आज तक किसी ने एक पैसे का किसी चीज़ का आरोप नहीं है। नंबर एक, अगर वो अपराधी होता, अगर कुछ होता तो मैं आपको इस बात के लिए मानती कि अपराधी है। कभी कभी आदमी से क्या कहते हैं जाने अनजाने में भी गलती हो जाती है। चूँकि मुझे अम्मा कहते हैं तो हमारा सिख परिवार भी मेरा बेटा है और वो मेरी बेटी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं निश्चित तौर पर दोनों पद से जा करके आज मैं आया
आई हूँ, तो निश्चित तौर पर मैं अपने पार्षद की तरफ से, अपने पार्षद परिवार की तरफ से निश्चित तौर सरदार के यहाँ जाऊँगी। मैं उनको कहूँगी कि भैया देखो, कभी कभी रास्ते चलते बिना मतलब कुछ, ये जो बवाल हुआ ये कोई मंशा नहीं थी, मेरे पार्षद की कोई मंशा नहीं थी और न सरदार जी की कोई मंशा थी। कभी कभी ऐसा होता है कि बिना बात की बात हो, कि ये बिना बात की बात है। अब इस मामले की अंदर की कहानी जान लीजिए। बीते दिनों नगर निगम के चुनाव के समय मेयर पद के लिए प्रत्याशी घोषित होने से पहले ही शहर की बीजेपी दो धड़ों में बट गई थी, जिसका असर इस मामले के बाद दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ जहां विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना प्रमिला पांडे की टिकट के लिए ताकत लगाए हुए थे, तो वहीं सांसद सत्यदेव पचौरी अपनी बेटी नीतू सिंह को टिकट दिलाने के लिए जोर लगाए हुए थे। हालांकि सतीश महाना इसमें भारी साबित हुए और टिकट प्रमिला पांडे को दिया गया और वो चुनाव में जीत भी गईं। तभी से दोनों धड़ों में अंदरखाने खींचतान चल रही है। अब इस मामले में एक बार फिर महाना और पचौरी गुट आमने सामने आ गए हैं।